आज सदर प्रकरणात उच्च न्यायालयात गेल्या 2 वर्षांपासून सुरू असलेल्या खटल्याचा निकाल देत महाराष्ट्र शासनाने शहराच्या विकासासाठी दिलेल्या 15 कोटीचा निधी हा शहराच्या विकासातच खर्च करण्याचा निर्णय दिला असल्याने या निर्णयाबाबत विरोधी पक्षात असलेल्या शिवसेना नगरसेवकांनी उच्च न्यायालयाचे आभार मानले असून महानगरपालिकेमध्ये सत्ताधारी असलेल्या भाजपाला विनंती केली की न्यायालयाच्या निर्णयाप्रमाणे भाजपाने 15 कोटी रुपये शहराच्या विकासात खर्च करावा, तसेच ज्या नागरिकांनी आपल्याला मतदान केलंय त्यांच्या हिताचा विचार सत्ताधारी यांनी करण्याच्या सूचना शिवसेना नगरसेवक राजेश मिश्रा यांनी केली। अकोला शहरातील शासकीय विश्रामगृहामध्ये झालेल्या पत्रकार परिषदेमध्ये त्यांनी ही माहिती दिली। अकोला महानगरपालिका में 15 कोटी रुपये गांव के विकास के लिए आए थे, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने पैसा भेजा था, लेकिन यहां पर भाजप की सत्ता होने के कारण यहां की जो स्थानिक आमदार है श्री लाला जी, जिन इन लोगों ने ये 15 कोटि के काम न हो इसका पूरा प्रयत्न किया और इस 15 कोटि के खिलाफ में ये लोग हाईकोर्ट गए लाला जी, और वहाँ पर 1.5-2 साल हमने इस विषय में लड़ा और लड़ने बाद में ये 15 कोटि की जीत हमारी हुई है और 100% ये जो पैसा अकोला शहर के हित के लिए आया था वहाँ हम खर्चा करेंगे। लेकिन मेरा अकोला शहर वासियों से ये कहना है कि जिन लोगों को हमने आग बंद करके अभी तक मतदान किया उन लोगों ने आज तक कुछ किया नहीं, लेकिन कुछ अगर चीज़ अच्छी हो रही है अकोला शहर के अंदर उसमें भी इन लोगों ने विघ्न लाने की कोशिश किया, लेकिन आप लोगों का आशीर्वाद आप लोगों का साथ के कारण आज हम ये 15 कोटि की जो केस थी हाईकोर्ट में हम जीत चुके हैं और जो भी वार्ड में ये काम था वो वार्ड में काम होने वाला है। मेरी विनंती है कि अब तो आंखें खोलो, जिन लोगों ने ये पैसे रोकने की कोशिश किया, जिन लोगों ने 30 साल यहाँ पर अकोला शहर के अंदर जिले में और शहर में जिन्होंने राज किया राज कर रहे, इन लोगों ने गाँव का विकास नहीं किया, जो भी शहर के अंदर रास्ते बने हुए हैं वो सब फूट चुके हैं। मेरी विनंती है कि अब आंखें खोलो और कम से कम इन लोगों का जो राजकारण है, जो लोगों को गुमराह करके राजकारण किया जा रहा है शहर के अंदर, इनको साइड में करो और आने वाली महानगर पालिका इलेक्शन में महानगर पालिका पे भगवा झंडा फड़काने की कोशिश करो और मुझे विश्वास है कि इस बार महानगर पालिका पे भगवा झंडा फड़केगा। SBN मराठी साठी दीपक गवई अकोला।